गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों अभी हुए सुबह के 7:30। हम लोग सीधे अभी आरती के घर पे आए और मामा तो यानी मामा गए हैं कैंटीन ग्वालियर गए तो मामा चले ग्वालियर कैंटीन पे और प्रियल स्कूल जा रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं मौसा को लेने, मैं गया छोड़ने, अब लेने जा रहे हैं। चलो वहीं पे चलते हैं हम लोग। गाय सी देखो ये स्कूल जाने के लिए रेडी, तुम नहीं रेडी हो गए? इसका इसकी छुट्टी है गाय समर की, टाइम के तो देखो देखो 7:28 हो गए गाय। आज क्या होएगा, रोए कह रही सॉक्स में बदबू आ रही है। ये देखो क्या ड्रामा कर रहा ले प्रियल के तो मुंह पे मार दी स्कूल वाली। देखो कैसे दे रही। हेलो, पहले बाइक निकाल लें अपनी पल्सर। संगीत मौसी घर पे खड़ी है, सी रही अपनी गाड़ी। इससे साफ करवा रहा हूँ, चला के मैं ले जाऊंगा। देख रहे एकदम चमक अच्छे से चमका, जल्दी यार मौसा को इसी पर लेके आ रहे हैं। अभी निकालो बाहर, चलो सीधा वहीं मिलते हैं। बस गाड़ी बाहर निकाल ली है, ये लोग तो जा रहे हैं स्कूल साहब और हम लोग जा रहे हैं मौसा को लेने। अंदर खाना खाओ जाके के बाहर चली आई। अरे कहाँ मौसी, ठंड है। तो दोस्तों मौसा यहीं से आने वाले हैं, वो देखो वो अपनी बाइक खड़ी वहाँ पे लाके, यहीं पे छोड़ा था अभी 2 दिन पहले, अभी यहीं पे वापस आएंगे, यहीं पे बुलाया है। अभी आ रहे होंगे, 10-15 मिनट बताया था। ये देखो रेलवे लाइन स्टेशन उधर साइड है इटावा की। अबे भारत में पटरियाँ बिल्कुल जाल की तरह फैली हुई हैं, देख रहे। और ये भी मेरे साथ ही आया है, तो मेरी मांगे पूरी होंगी कि फिर मैं यहाँ पे यार गंदगी कितनी है मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये नाला देखो कितना अरे मैंने इसको एक बार खाली देखा था, बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है, गहराई बहुत है इसकी। चलो ये आ जाने दो मौसा, फिर मिलवाते हैं। देखो गैस एक इंजन आ रहा है, जाएगा किधर ये नहीं मालूम, शायद चेंज होने के लिए। अभी ये वापस भी जा सकता आगे जाके, सिर्फ इंजन ही है, इसके डिब्बे आए नहीं अभी। ये देखो गैस इंजन, ज़्यादातर ये इंजन आपको मालगाड़ी में लगा मिला होगा। अब मौसा का वेट कर रहे हैं, अभी तक आई नहीं। गया ये तो गैस अभी इधर गया था, अभी वापस इधर रिवर्स। अभी स्टेशन पे आकर किसी ट्रेन में अटैच हो जाएगा। इस मौसा आ चुके हैं, अब चलते हैं घर पे सीधे, यहीं पे छोड़ा था, यहीं पे पिक करने आए। ये गाड़ी अपनी आया भूसा, इससे चलते हैं घर पे। पहुंच चुके हैं मौसा, बाहर गाड़ी पार्किंग में लगा रहे और मुझे लगेगी भूख। हाँ बैग में कपड़े होंगे, निकाल लो। कुछ बना के नहीं भाई, यहाँ पे तो बस आलू। हाँ गाइस अभी 4:30 हो रहे हैं, नहीं 5 बजे जा रहे हैं। हम लोग अकेले घर पे हैं क्योंकि आज भाई मौसा का बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। तो गाइस हम लोग तो रेडी हो गए, घर पे आ चुके हैं, अब मौसा बचे हैं, वो अभी रेडी हो रहे हैं ऊपर, उन्हें भी आने दो, फिर यहाँ से चलेंगे गाड़ी से, फिर मौसा 4-व्हीलर उठाएंगे, फिर उससे चलेंगे लखनऊ। हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, हम सब चारों लोग, ये देखो सब लोग इधर हैं। हाय गाइस, और ये खड़ी हैं अपनी गाड़ियाँ, एक ये और एक ये इसी से चलेंगे। और गाइस ये देखो ये रहा मौसा का केबिन, मतलब ऑफिस यही है। अभी इसमें एसी लगेंगे, अभी इसमें कुछ सेटअप नहीं है, अभी कुछ है नहीं, अभी इसमें कार चल रहा, नीचे का फर्श हो चुका है। ये देखो और हैंडसम बॉय आपके सामने है और एक छपरा है। कहाँ चलोगे फिरारी गोइंग, छपरी ये छपरी एक नंबर का। शर्मा कह रहे बोलो ना, क्या बोले गाइस ऐसे ही अपन भी एक दिन लेंगे, बस जल्दी ब्लॉग ग्रो करा दूं। तो गाइस सभी लोग पहुंच चुके हैं, मौसा फूफा भैया, ये भी जी मेरे कौन लगे, हाँ जी भैया, ये बाबा और बाबा, सब लोग पहुंच चुके हैं। अभी जाएंगे लखनऊ मौसा के बर्थडे में। कितने किलोमीटर है आंसर? 25 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, लौटा फेरी सब देख लिया। गाड़ी बाहर निकल रही है, मौसा ही ड्राइव कर रहे हैं, अब इसी से जाएंगे हम लोग। और ये बैठे सब लोग,
चलो भाई अपना यमदूत का छोटा भाई छोटा यमदूत फॉर्चुनर निकल गई अपनी। गाइस जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, ऐसी अपने को भी लेनी है। गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, सब लोग इधर खड़े हैं, इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, प्रमोशन नहीं कर रहे, और ये खड़ी अपनी गाड़ी, इसी से आए हम लोग सभी लोग। यहाँ पे हम लोग बैठे थे, फूफा उफा पागल बस सब इधर, हम लोग पीछे। अब बस थोड़ी देर में अपनी लोकेशन पे और पहुँच जाए, फिर मिलते हैं। सब लोग बाटगाम पहुँच गए हैं, शायद यहीं पे जो प्रोग्राम है हम लोगों का वो यहीं होगा। ये देखो यहाँ पे है, सारा प्रोग्राम यहीं सेट होगा। ये जगह है देखो, सब पहुंच गए, बस मौसा रह गए, उधर ही गाड़ी लेके आएंगे अभी। मौसा आ गए कुर्ता भैया में, कपड़े चेंज कर लिए ये देखो अब मस्त लग रहे, बिल्कुल ही नेता। गाइस केक आ चुका है, आप मतलब तुम लोग करो, मैं तो शूट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, तुम पीछे आओ, अपन चीफ गेस्ट हैं। अभी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, अभी थोड़ी देर में केक कटेगा और समय बटेगा, फिर अपन घर चलेंगे। एक बार ये अखिल के बर्थडे में केक मांग रहा था, केक दे दो। दोस्तों पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, अब बस केक कटना बाकी है, इन लोगों ने तो शुरू ही कर दी इसको नशा हो गया। गाइस सब केक कटने जा रहा है, जाओ वहाँ सा ये रहा केक अपना, हैप्पी बर्थडे नीचे आ गया हैप्पी बर्थडे। जेब में तो नहीं डालने? नहीं 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 जे इस तरफ लगेगा, इस तरफ। हाँ सामने से आएगी ना, कटे कैसे केक, कैसे कटे यहाँ से लकड़ी का है ऐड और कर दो ना, पूरे नाम डरो बापो में, मोबाइल नंबर ना सब डरो, तुम एकदम चम्मच हम ले नाम डरो। तो गाइस अब केक कटने जा रहा है, ये देखो मेरा फोटोग्राफर वहां पे है। गाइस देखो ये ले सब लोग, काटो 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 काटो, हमें बीच में आंदा, हमें मैं ना मैं पगला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, काटो काटो आओ। Happy birthday to you. Happy birthday. सबसे मेन काम हम तो वीडियो बना रहे बोल तो मौसा की सबसे क्लोज फ्रेंड बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त। केक कट चुका है,
वो देखो सब केक कट के समय बट गया, अब चल रहे हैं घर पे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। कितना टाइम हो गया अभी, 8:30 हो रहे हैं, मेरे को ब्लॉग एडिट भी करना है अभी और ये कल देखना अभी आप लोगों को, इसलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा घर पे मिलते हैं आपसे। बाहर आ चुके हैं, ये खड़ी अपनी हायाबुसा, ओ सॉरी फॉर्च्यूनर, हाँ कौन सा, और ये देखो अखिल के मौसा का घर सामने, कौन सा घर, जेवाला के जेवाला वो वाला, ये मैरिज होम है, और ये उन्हीं का मैरिज होम है रघुवीर वाट का, और ये अपनी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, और गाड़ी में डाल दो। इस भागवत के भंडारे में भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा है, मैं तो ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाता था, कहीं फोन ना उठा रहे ऐसा उठा रहे, देखो भीड़ कितनी है, पूरे में भीड़ ही भीड़ है, अभी कम से कम 100-500 लोग तो निकल गए खा के। अरे बहुत तगड़ा ही कार्यक्रम है, देख रहे भीड़ देखो कितनी है, भीड़ देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, देख रहे हैं खिलाने वाले 50 लोग हैं बताओ, पर अपने उधर साइड तो खाने वाले 100-150 होते हैं, भीड़ देखो इधर के, बाकी सब लोग इधर बैठे हैं, हम जो लोग आए थे हम सभी लोग इधर ही बैठे हैं, ये रहा अखिल। तो गाइस अब हम लोगों का नंबर आ चुका है, अब यहाँ से खा के निकलेंगे हम लोग, देखो मट्टी उड़ रही कैमरे को, मैं आपको दिखाई पड़ रही होगी, जैसा अपने आप सेंड कर लियो ठीक है, तो गाइस सभी ने खाना खा लिया, अब यहाँ से चलते हैं, अब मिलते हैं सीधा घर पे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक गया, मुझे बोला भी नहीं जा रहा। तो गाइस अभी 12 बज गए हैं, ब्लॉग अभी मैंने एडिट करके मतलब कंप्लीट करके पोस्ट कर दिया है, सुबह 9 बजे आ जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो सभी लोग।